जब भी किसी बड़े सेलिब्रिटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है तो उसकी फोटोज सोशल मीडिया पर जरूर शेयर की जाती है। और भले ही लॉकडाउन हो लेकिन बर्थडे तो बनता ही है। लेकिन एक ऐसा सेलिब्रिटी है जो है तो वैसे काफी फेमस, लेकिन उनके साल के बर्थडे की एक भी फोटो सोशल मीडिया पर नहीं है, और वो सेलिब्रिटी है एकता कपूर। एकता कपूर का बर्थडे 7 जून को होता है और इस साल भी 7 तारीख को उनका बर्थडे मनाया गया है, लेकिन कोई फोटो नहीं शेयर की गई। ये बात काफी अजीब है, लेकिन ये अजीब इसलिए है क्योंकि उसी दिन दिशा अपने मंगेतर रोहन रॉय के घर से गिरी थी। जी हाँ, 7 तारीख को एकता कपूर का बर्थडे था और इसी दिन दिशा सालियां रोहन के फ्लैट से नीचे गिरी। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि एकता का बर्थडे भी उसी दिन है जिस दिन दिशा गिरी। और अगर हमें मान भी ले कि कोइंसिडेंस है, तो एकता कपूर ने अपने बर्थडे की एक भी फोटो शेयर क्यों नहीं की? भले ही लॉकडाउन था, तब भी वो घर में अपने बच्चों अपने परिवार वालों के साथ बर्थडे तो मना सकती थी और उसकी फोटो भी शेयर कर सकती थी, लेकिन नहीं, एकता कपूर ने अपने बर्थडे की एक भी फोटो एक भी वीडियो कुछ भी नहीं शेयर किया और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगर कुछ लोग ये कहेंगे कि दिशा के जाने की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो हम आपको बता दें कि दिशा ना तो एकता कपूर की मैनेजर थी और ना कभी पहले रही है। लेकिन अगर दिशा एकता की पार्टी में गई है और दिशा को धक्का देने वाले एकता की पार्टी में आए हुए लोग ही थे, तो एकता कपूर को इस बात का डर जरूर होगा कि अगर फोटोज या वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की तो शायद दिशा उन्हें पार्टी में कहीं ना कहीं दिख जाए। और क्या पता पार्टी के स्टार्ट होने से पहले ही दिशा को सब कुछ पता चल गया हो और दिशा को धक्का देने के बाद उन्होंने पार्टी ही सेलिब्रेट ना की हो, क्योंकि उन सभी को इस बात की टेंशन होगी कि दिशा ने सुशांत को भी सब कुछ बता दिया है। ये बातें कितनी सच है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एकता के बर्थडे से दिशा का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।